देख सकते हो ये ब्लश कितना प्यारा लग रहा है लगने के बाद, और फाउंडेशन मेरा बेस जो है बहुत जल्दी निकल जाता है गर्मियों में स्पेशली, सो वो भी नहीं होगा। देख सकते हो कि ये जो पैलेट है ये इतनी पिगमेंटेड और इतनी लाइट है कि 2-3 डैब्स में ही मेरी कॉन्टोरिंग ब्लेंड हो जाती है बड़े आराम से। मैं क्रिएट करने वाली हूँ ये लुक, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और मैं शेयर करने वाली हूँ डिफरेंस बिटवीन लूज पाउडर एंड कॉम्पैक्ट पाउडर, जो कि हम इतना कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। सो कीप ऑन वॉचिंग, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और एंड तक देखिएगा कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया। आने वाली बायोटिक का मॉर्निंग नेचर मॉइस्चराइजर, ये थोड़ा सा अप्लाई करने के बाद ठीक हो जाता है। स्टार्टिंग में तो ये लाइट लगता है बट जैसे जैसे हम इसको ब्लेंड करते हैं स्किन के अंदर ये बहुत थिक एंड हैवी हो जाता है। सो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला, और अगर आपकी ऑयली स्किन भी है तो आप क्वांटिटी थोड़ी कम ले सकते हैं। डजंट मैटर कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, आप उसकी क्वांटिटी मैनेज कर सकते हैं लगाने के लिए। सो पहले मैं करूंगी कंसील, जिसके लिए मैंने यूज करना है एलिए गर्ल प्रो कंसीलर, शेड है प्योर बेज। मैंने अपने मॉइस्चराइजर को अपनी स्किन पर छोड़ दिया है, ये मैं टेक्निक अप्लाई करती हूँ ताकि जो भी मॉइस्चराइजर मेरा स्किन जो है एब्जॉर्ब करना चाहती है उसको एब्जॉर्ब कर ले, मैं डायरेक्ट बेस नहीं करती। सो आईज पे मैंने लगा लिया है अच्छे से कंसीलर, अच्छे से कर लेंगे ब्लेंड, और ब्लेंडिंग एकदम लाइट हैंड से करनी है ताकि ये हमारी जो है पूरी आईज के ऊपर लाइटली ब्लेंड हो जाए। हल्का सा अपनी आईज को सेट कर लेते हैं सेटिंग पाउडर लगाकर, और इसके बाद जो है मैं आई मेकअप स्टार्ट करूंगी, क्योंकि अगर आपकी आईज पे बहुत ज्यादा क्रीसेस हैं तो आप सेटिंग पाउडर से सेट कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट जो है अपने आई शैडो भी लगा सकते हो। अब आई मेकअप के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये एलिए गर्ल की पैलेट, जो कि है सेडक्टिव इसका नाम है, और मैं एक इस पैलेट से सॉफ्ट ब्राउन सी जो है स्मोकी आईज क्रिएट करूंगी, जिसके लिए मैं ब्राउन टोन्स यूज करूंगी इस पैलेट के, और थोड़ा सा जो है ब्लैक टोन एकदम अपने लैश लाइन के पास, कोई भी दो ब्राउन टोन्स को मिक्स करके और मैं अपनी आईज के ऊपर लगाऊंगी। पहले मैं करूंगी प्लेस अपनी आईलेट पर, क्योंकि ये सॉफ्ट ब्राउन है तो हमें बहुत ज्यादा ब्राउन डार्क ब्राउन शेड्स नहीं पिक करने होते, और प्लेसिंग से हम स्टार्ट करेंगे। अगेन वो सेम शेड्स जो है मैं इस आई पर भी प्लेस करूंगी। प्लेसिंग से क्या होता है, हमें पता लगता रहता है कि दोनों आईज जो है हमारी साइड बाय साइड इक्वल है और सेम हमारी आईज में जो आई मेकअप हो रहा है कुछ ऊपर नीचे नहीं हो रहा। सो अब इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ, अपने ब्रश को थोड़ा सा मैंने टॉवल पर क्लीन कर लिया है और उससे मैं करूँगी ब्लेंडिंग स्टार्ट। आप कोशिश कीजिए कि जो आपका ब्रश के ऊपर जो प्रोडक्ट लगा हुआ है वो प्रोडक्ट थोड़ा रिमूव हो जाए, अदरवाइज जो है ये कलर बहुत ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हमारी सॉफ्ट स्मोकी आईज है तो हमें कलर को इतना ऊपर लेके नहीं जाना। लैश लाइन के पास एकदम क्लोजली ये ब्लैक कलर लगाऊंगी, और अगर आपको लगता है कि आपका ब्लैक कलर बहुत ज्यादा डार्क नहीं है या आपको डार्क चाहिए है तो आप कोई ब्लैक काजल पेंसिल लेकर भी जो है अपनी लैश लाइन के पास वर्क कर सकते हैं। सो मैंने लगा लिया है ब्लैक, अब मैं दूसरी आईज पर भी सेम कर लेती हूँ, लैश लाइन के पास ही हमको ये ब्लैक कलर लगाना है। सो ब्लैक लगाने के बाद अगर मुझे लगेगा कि ये इनफ नहीं है सो मैं जो है अपना ब्लैक काजल के साथ जो है आउटलाइन करूंगी, एक लाइनर सॉर्ट ऑफ ड्रॉ करेंगे हम, थोड़ा सा विंग कर देते हैं बाहर को ताकि हमारी आईज थोड़ी लॉन्गेटेड लगे। अब मैं हल्का सा ये वाला शेड लेकर जो है अपनी आईज के ऊपर लगा रही हूँ, लिप्स के ऊपर थोड़ी सी शेडिंग देने के लिए ताकि वो जो एरिया है खाली ना लगे। स्मोकीनेस हमको नीचे ही रखनी है और ऊपर हल्की सी शेडिंग करनी है हमको। सो हमारी आईज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, अब देखते हैं विंग बनाकर ब्लैक स्केच से कि कैसा। यूज कर रही हूँ शुगर की कॉल ऑफ ऑनर इंटेंस ब्लैक काजल, इसको मैं लगाऊंगी एकदम अपनी लैश लाइन के पास थोड़ा और स्मोकी बनाने के लिए अपनी आईज को, क्योंकि मुझे एक स्मोकी इंटेंस लाइनर जो है अच्छे लगते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर लूंगी स्मज पेंसिल की हेल्प से, अगर मेरा ऊपर से खराब भी होता है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि एट द एंड मैं उसको स्मज ही करने वाली हूँ। तो अच्छे से कर लेते हैं स्मज एक स्मज पेंसिल की हेल्प से। सो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ऐसे जो है थिक विंग लाइनर्स अच्छे लगते हैं या नहीं, क्योंकि मुझे तो ये बहुत अच्छे लगते हैं पर्सनली। एक टिप मैं यहाँ शेयर करूंगी, ये जो मेरी थोड़ी सी जो ब्लैंक है लाइनर के बीच में, हम इसमें भी थोड़ा सा काजल फिल करेंगे, हमें टाइट लाइन नहीं करना है बट हमें अपनी लैशेस को थोड़ा फिल करना है ताकि ये गैप ज्यादा ना लगे, और अगर मैं लैशेस भी लगाती हूँ फॉल्स लैशेस तो ये गैप फिल होना चाहिए
अदरवाइज क्या होता है, हमारी फॉल्स लैशेज और हमारी जो रियल लैशेज है वो दोनों अलग अलग दिखती है। अब हम अपना बेस स्टार्ट करेंगे। हमारा जो मॉइस्चराइजर है वो स्किन में ऑलरेडी ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब हो चुका है, सो अब हम थोड़ा बहुत वेट टिश्यू की हेल्प से जो फॉल आउट है उसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं और फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना बेस। अब मैं यूज कर रही हूँ कलबा परफेक्ट मैच प्राइमर। अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है तो आप ये प्राइमर यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक सिलिकन बेस्ड प्राइमर और सिलिकन बेस्ड प्राइमर ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। सो जहां जहां पर मेरे बिग ओपन पोर्स है वहां वहां पर मैं ये प्राइमर लगाऊंगी और मेरे पोर्स भी क्लोज करेगा और जो मुझे एक्सेस स्वेटिंग होती है मेरा बेस जो है बहुत जल्दी निकल जाता है गर्मियों में स्पेशली, तो वो भी कुछ हद तक मेरे फाउंडेशन को ये लॉन्ग लास्टिंग करेगा, एकदम चिपका नहीं देगा फाउंडेशन, बट हाँ मेरी फाउंडेशन को लॉन्ग लास्टिंग ये करेगा। सो हमको प्राइमर लगाना जरूरी भी होता है अगर हम बहुत हैवी मेकअप कर रहे हैं या अगर हम नॉर्मली भी पार्टी मेकअप करते हैं, तो ट्राई कीजिए कि आप प्राइमर जरूर यूज कीजिए अपने फाउंडेशन या फिर कंसीलर लगाने से पहले। सब अच्छे से जो है मैंने प्राइमर लगा लिया है, इसको मैं थोड़ा वेट करूंगी ताकि प्राइमर जो है थोड़ा सा मेरी स्किन के अंदर अब्सॉर्ब हो जाए, क्योंकि ये बहुत सिल्की है बहुत। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ न्यूट्रलाइजिंग से, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ मार्स की कवर एंजल्स पैलेट। इसमें से मैं जो है अपना स्किन से दो शेड डार्कर कंसीलर अपने फेस पर लगाऊंगी, जहां जहां पर भी मुझे कलर करेक्शन करनी है, पूरे फेस पर नहीं लगाना है। जहां पर भी अगर आप डार्क शेड लगा लेते हो कलर करेक्शन की जगह न्यूट्रलाइज कर लेते हो, तब भी जो है आपके फेस पर किसी टाइप की जो डार्कनेस है, फाउंडेशन ग्रे नहीं होता या किसी टाइप की भी कलर करेक्शन की नीड नहीं होती अगर आप डायरेक्ट न्यूट्रलाइज कर रहे हो अपने फेस को। बहुत नॉर्मल ब्लेंड करना है, लाइट हैंड से ब्लेंड करना है इसको, और इसको ब्लेंड करने के बाद हम लगाएंगे फाउंडेशन। के लिए मैं यूज कर रही हूँ मिलानी की 2-in-1 कंसील प्लस परफेक्ट फाउंडेशन। इसके मैंने लिए हैं 1.5 pump। सो पहले हम इसको अप्लाई करेंगे और अगर कवरेज सही नहीं होगी, कवरेज कम होगी, तो हम सेकेंड लेयर बाद में अप्लाई करेंगे। आपको कवरेज फुल चाहिए तो आप ऐसे पेंट की तरह अप्लाई कर सकते हो, थोड़ा बहुत कवरेज में फर्क आता है। और जो बचा कुछ प्रोडक्ट है वो मैं ब्यूटी ब्लेंडर पे लेकर पहले नेक पर लगा लेती हूँ, फिर बाद में जो है मैं इसको ब्लेंड करूंगी। थोड़ा इसको ऐसे सेट होने देंगे ताकि थोड़ी सी कवरेज और आए हमारे इस फाउंडेशन की और हमको एक और लेयर ना लगानी पड़े। सो अगर आप चाहते हो कि आपकी किसी भी प्रोडक्ट की कवरेज आए तो आप एक बार उसको टेस्ट कर लीजिए कि वो जल्दी ड्राई तो नहीं हो जाता। अगर ड्राई नहीं होता तो आप उसको कुछ सेकंड्स के लिए ऐसे लगाकर छोड़ सकते हैं और उससे क्या है थोड़ा कवरेज में फर्क पड़ता है, यू विल नोटिस। मैं ये ट्रिक अपने फाउंडेशन और कंसीलर्स के साथ बहुत ज़्यादा करती हूँ। सो अगर आपको ऐसे टिप्स टेक्निक्स चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, मैं बहुत सारे टिप्स वहाँ शेयर करती हूँ, तो आप दोनों चैनल्स को फॉलो एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम इसको कर लेते हैं ब्लेंड, देखोगे कि कवरेज कितनी अच्छी आई है इसकी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब हमको सेकेंड लेयर लगाने की नीड है। आप थोड़ी और वेट कर सकते हैं अगर आपको कवरेज थोड़ी और ज़्यादा चाहिए, बट हमेशा प्रोडक्ट्स का ध्यान रखना होता है कि वो जो प्रोडक्ट है हमारा वो ड्राई भी ना हो जाए हमारे स्किन के ऊपर कवरेज के चक्कर में। अगर वो ड्राई हो जाता है तो उसको ब्लेंड करना थोड़ा मुश्किल होता है। सो कंसीलिंग एंड कंट्रोलिंग के लिए अगेन इस पैलेट में से शेड्स ले लेते हैं। मैं ले रही हूँ 1 से 2 शेड लाइटर फॉर कंसीलिंग और 2 से 3 शेड डार्कर फॉर कंट्रोलिंग। सो हमेशा याद रखिए 1 से 2 शेड लाइटर फॉर कंसीलिंग एंड 2 से 3 शेड डार्कर फॉर कंट्रोलिंग। तो आज करते हैं थोड़ा चबी चीक्स और थोड़ा फोरहेड पर भी कंट्रोल कर लेते हैं। हमें यहाँ पर कंट्रोल करना जरूरी होता है ताकि हमारी फोरहेड और हमारे फेस का जो बीच का नेचुरल जो हमारा फोरहेड डार्क होता है, सो थोड़ा बहुत नेचुरली अगेन कंट्रोल करके हम लाइंस को कनेक्ट करते हैं कि ये दोनों जो है अलग अलग ना लगे। और कर लेते हैं थोड़ा जॉ लाइन पर कंट्रोलिंग और उसके बाद जो है हम करेंगे इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड। आप देख सकते हो कि ये जो पैलेट है ये इतनी पिगमेंट और इतनी लाइट है कि 2-3 डैब्स में ही मेरी कंटूरिंग ब्लेंड हो जाती है बड़े आराम से। मुझे कोई प्रेशर, मुझे कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ता किसी भी चीज को ब्लेंड करने के लिए। और अगर यहाँ पर ये मेरा कंटूर फैल जाता है तो हम इसको दोबारा से जो है कंसीलर थोड़ा सा लगाकर या सेटिंग पाउडर की हेल्प से भी ठीक कर सकते हैं। सो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है अगर आपकी कोई चीज स्प्रेड हो जाती है, कोई चीज ज्यादा लग जाती है, तो आप वो जो है कवर कर सकते हैं। सो इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं दोनों साइड।
एंड नोज पर ब्लेंड करने के लिए मैंने थोड़ा सा स्क्वीज किया है इसको, ताकि जो मेरी कॉन्टोरिंग है वो ज्यादा स्प्रेड ना हो। सो जहाँ पे छोटे पार्ट्स होते हैं वहां पर आप इसे स्क्वीज करके जो है अपनी कॉन्टोरिंग जो है ब्लेंड कर सकते हो। ऐसे ही फोरहेड पर भी मैं स्क्वीज कर ही ब्लेंड करूंगी, ताकि जो है मेरी कॉन्टोरिंग ज्यादा स्प्रेड ना हो। आईब्रोज के लिए मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की ये पेंसिल, जो कि शेड है डार्क ब्राउन। सो पहले स्फूली से थोड़ा ब्राउज को सेट कर लेते हैं। इससे क्या होगा, हमें अपनी शेप पता चल जाएगी कि हमें किस शेप में जो है अपना ब्राउ प्रोडक्ट लगाना है। सो स्फूली से हमेशा अपने ब्राउज को पहले ब्रश कर लीजिए, और जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लग क्या होता है फाउंडेशन वगैरह वो भी थोड़ा रिमूव हो जाता है। सो अपनी ब्राउज फिल कर लेते हैं बहुत लाइट हैंड से, क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत क्रीमी है तो लाइट हैंड से ही फिल करना है हमें। और पीछे की तरफ हमेशा डार्क रखनी है, आगे की तरफ हमें अपनी आईब्रोज को डार्क नहीं रखना होता। इससे क्या है, वो बहुत अननेचुरल लगती हैं। हल्का हल्का बहुत लाइट हैंड से जो है मैं आगे की तरफ फिल कर रही हूँ। मैंने लगा लिया लैशेज, और अब मैं लगाने वाली हूँ एक क्रीम ब्लश जो कि है फ्रॉम ईबा कॉस्मेटिक्स पीच। ये ब्लश बहुत ही प्यारा है इंडियन स्किन टोन के लिए। अगर आप डार्क मीडियम टू डार्क कॉम्प्लेक्शन के हैं तो आप ये ब्लश यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये इंडियन स्किन टोन्स पर, इंडियन कॉम्प्लेक्शन पर बहुत अच्छा लगता है, और स्पेशली ड्यूरिंग समर्स ये ब्लश बहुत ही प्यारा लगता है। सो हमको बहुत लाइट हैंड से ही ब्लेंड करना है। कोई भी प्रोडक्ट आप क्रीम या लिक्विड या कोई भी प्रोडक्ट आप यूज करते हो तो पहले एक साइड लगा लो, अगर आप उस प्रोडक्ट को फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो, क्योंकि पता नहीं होता कि वो प्रोडक्ट वहाँ पे ब्लेंड ना हो या वो प्रोडक्ट जो है वहाँ पर पैच क्रिएट कर दे। सो आपको पहले क्या है, अपने किसी भी प्रोडक्ट को जो न्यू यूज कर रहे हो पहले लगाकर देख लेना है कि उसकी ब्लेंडिंग कैसी है, वो इजीली ब्लेंड हो जाता है या थोड़ा जो है वो टाइम लेता है, या वो पैच कर देता है, या वो ड्राई आउट जल्दी हो जाता है ब्लेंड होने में। सो आप देख सकते हो ये ब्लश कितना प्यारा लग रहा है लगने के बाद। और अब हम करेंगे पाउडर सेटिंग, सो जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, लूज पाउडर एंड हम कॉम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं कि हम इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा परचेज करें। पहली बात कर लेते हैं हम लूज पाउडर की। मैं यूज कर रही हूँ मार्स का लूज पाउडर बॉर्न टू बेक। ये जो है ट्रांसलूसेंट लूज पाउडर है, और जो लूज पाउडर्स होते हैं वो ट्रांसलूसेंट भी होते हैं, टिंटेड भी होते हैं, बट इनमें क्या होता है, कवरेज अच्छी नहीं होती इनकी। कवरेज अगर आपको चाहिए तो आपको यूज करना है कॉम्पैक्ट। ये जो है फेस को बहुत अच्छे से सेट कर देता है, और ये बेकिंग में भी यूज होते हैं। अगर आपकी बहुत ऑयली स्किन है या आपकी बहुत ज्यादा क्रीसेस आ जाती है, तो जो हमारा लूज पाउडर होता है वो काम में आता है जब भी हमको बेकिंग करनी होती है। और हमको फुल फेस सेट करना है तो भी जो हमारा लूज पाउडर है वो बहुत अच्छा यूज होता है, क्योंकि लूज पाउडर जो है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग स्टे रहते हैं देन कॉम्पैक्ट पाउडर्स। इस साइड में यूज करने वाली हूँ कॉम्पैक्ट, और कॉम्पैक्ट की मैं आपको कवरेज दिखा देती हूँ। आप देख सकते हो इसमें कितनी कवरेज है। अगर आप इसको अपनी स्किन पर भी लगाओगे, अपने फेस के ऊपर भी लगाओगे, तो आपको अच्छी कवरेज मिल जाएगी। अगर कवरेज अच्छी नहीं है तो हल्का सा मैं लूंगी, डस्ट ऑफ कर दूंगी कि एक्स्ट्रा कवरेज ना हो, और अपने अंडर आईज के नीचे मैं लगा लूंगी इसको। इसमें टिंट है जिसकी वजह से अगर आप कहीं पर जो आपकी कवरेज रह जाती है बेस में, तो आप उस इसको लगाकर जो है वो एरिया कवर कर सकते हो। और आप जो कॉम्पैक्ट होता है उसको आप अपने साथ कैरी भी कर सकते हो। अगर आप किसी वेडिंग या फंक्शन में हो और आपको टचअप करना है, तो आप इंस्टेंटली जो है टचअप कर सकते हो कॉम्पैक्ट को अपने बैस रखकर। अब मैं यूज कर रही हूँ कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स का ब्लश जो कि है B010, और ये इतना पिगमेंटेड ब्लश है कि आप इसको बहुत हल्के से टच करेंगे अपनी स्किन पर। आप इसको एक्स्ट्रा जैसे ही लगाओगे तो ये एकदम जो है पिगमेंट बहुत ज्यादा इसमें है, तो वो एकदम से आपके ब्लश को बहुत ज्यादा डार्क कर देगा। तो आपको बहुत हल्का सा लेना है और डस्ट ऑफ कर देना है, ताकि आपके फेस पर किसी टाइप का जो है पैच ना हो जाए इस ब्लश से। सो इसको मैंने लगा लिया है अपने फेस पर, और थोड़ा सा नोज पर भी लगा लेते हैं हम। मैं ये सेम शेड अपनी अंडर आईज में भी यूज कर रही हूँ। इससे क्या है, एक सिमेट्री क्रिएट हो जाएगी, और ये शेड अंडर आईज में लगा हुआ भी बहुत प्यारा लगता है। सो अगर आपको काजल नहीं पसंद है अंडर आईज में, तो आप कोई भी जो आपका फेवरेट ब्लश है जो आप चीक्स पर लगा रहे हो, वो आप अपनी अंडर आईज के नीचे भी लगा सकते हो। इससे क्या है, कॉम्बिनेशन और जो सिमेट्री है वो बहुत अच्छी लगती है लग बनी हुई। अब मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन लैस सेंसेशन मस्कारा, क्योंकि मस्कारा के बिना जो हमारी लुक है, आई लुक है, वो बिल्कुल भी कम्प्लीट नहीं होती है। और आपको अपनी नेचुरल लैशेस को, फॉल्स लैशेस को जो है मिक्स करना है, सो आपको मस्कारा जरूर लगाना है, और लोअर लैशेस में भी मस्कारा अच्छे से लगाएं। अगर आपने काजल नहीं दिया है तो मस्कारा लगा हुआ हमारी लोअर लैशेस में बहुत अच्छा लगता है।
हूँ ये शुगर कॉस्मेटिक्स की पैलेट में से, जो ये हाइलाइटर मैं यूज करने वाली हूँ, ये पैलेट नेम है 01। सो इसको मैं हाईएस्ट पॉइंट्स पर लगाऊंगी। और किसी भी टाइप के पिंपल्स हैं या पोर्स हैं तो आप हाइलाइटर ज्यादा मत लगाएं इस एरिया पर, क्योंकि ये जो है आपके पोर्स को और पिंपल्स के स्पॉट्स हैं उनको थोड़ा हाईलाइट कर देगा। सो हमें यहाँ पर बिल्कुल भी हाईलाइटर नहीं लगाना। सो वहाँ पर हाईलाइटर अवॉइड कर सकते हैं। सो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका फेवरेट हाइलाइटर कौन सा है, और इसको थोड़ा फिंगर की हेल्प से कर लेंगे ब्लेंड ताकि ये हार्श ना लगे और ये बड़ा सॉफ्ट सा जो है एक शाइन दे, एकदम स्ट्रोक ही लाइंस ना लगे। सो हमने इसको फिंगर की हेल्प से ब्लेंड जरूर करना है। इसके लिए मैं मिक्स करने वाली हूँ दो शेड्स फ्रॉम रिकोड, जो कि है फ्रेंडशिप डे एंड हेंस नाइट। फ्रेंडशिप डे से हम थोड़ी आउटलाइनिंग करेंगे और हेंस नाइट को जो हम अंदर फिल करेंगे। अगर आपको कोई भी लिपस्टिक लगाने के बाद लगे कि वो बहुत पेल है, बहुत आपका फेस डार्क लग रहा है, तो आप कोई भी लिप पेंसिल लेकर जो है आउटलाइन डार्क भी कर सकते हैं और डार्क लिपस्टिक से भी आउटलाइन कर सकते हैं। सेंट में लगा रही हूँ थोड़ा सा और डार्क शेड ताकि मेरे लिप्स इतने वॉश आउट ना लगे। और ये शेड है NY बेल लिपस्टिक, शेड है मग्स एंड हग्स, जो कि मैंने सेंटर में लगाया है और इससे मेरे लिप्स लग रहे हैं थोड़े बेटर और मेरा फेस बिल्कुल भी वॉश आउट नहीं लग रहा। आई होप आपकी दुविधा दूर हो गई। हम कॉम्पैक्ट यूज करें, सेटिंग पाउडर यूज करें, साफ को फॉलो करें, चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर वीडियो में लेके आने वाली हूँ एक नया टिप। और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करें अगर आपको जानने हैं डेली टिप्स एंड टेक्निक्स बाय सार। सो आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। कमेंट करके बताएं आपको लुक कैसी लगी जो मैंने क्रिएट करी। प्रोडक्ट सारे डिस्क्रिप्शन में होंगे और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।